हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल। आपका एडिटोरियल है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 से संबंधित। तो देखते हैं आखिर क्या इसमें बात की जा रही है। तो बैंकों में जमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को हस्ताक्षरित किया है। याद रखिए, अध्यादेश का सीधा सा मतलब है कि एक राष्ट्रपति के पास पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है कि जब संसद के सदन बंद चल रहे हों या फिर किसी कारण से ना पास हो पा रहा हो, तो ये जरूरी हो, कोई अधिनियम अध्यादेश जरूरी है उसे लाने के लिए, तो दोनों सदनों से पास करवाना पड़ेगा। इतना टाइम ना हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अध्यादेश उसी तरह उतना ही शक्तिशाली होगा जितना अधिनियम होता है। बस इसमें प्रावधान यह है कि दोनों सदन में जब भी सदन चलने लगता है तो 6 सप्ताह के भीतर उसे पास करवाना होता है, ठीक है, वरना ये खत्म हो जाएगा। सहकारी क्षेत्र बैंकों की समस्याएं, दोहरी नियंत्रण। सरकारी बैंक वर्तमान में सहकारी समितियों और RBI के दोहरे नियंत्रण में है। सहकारी समिति की भूमिका में निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल और परिसमापन का सुपर सीजन शामिल है। RBI नियामक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ARBI वही है, याद रखिए, आपकी केंद्रीय बैंक। क्या है? केंद्रीय बैंक है। सरकार का यह कदम PMC बैंक के पतन के बाद आया है। किसके? PMC बैंक के, जिसने कथित रूप से दिवालिया हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए 4355 करोड़ रुपए से अधिक ऋणों को छिपाने के लिए काल्पनिक खाते बनाए थे। RBI ने सितंबर में धोखाधड़ी का पता लगाया, जिससे इलाकों जमाकर्ताओं पर संकट, जो जमाकर्ता थे उन पर संकट आ गया। अतः इस स्थिति से निदान हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया। लोकतांत्रिक अभाव, सहकारी समितियों को समय पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से स्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और चुनावों को चलाने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि समाज के निदेशकों के साथ साथ बहुसंख्यक सदस्यों को उनके अशिक्षा और उदासीन रवैये के कारण समाज की गतिविधियों के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। समाज के संसाधनों का अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रमुख रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं का उपयोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि अधिकांश सदस्य सहकारी आंदोलन के उद्देश्य से और लोकतंत्र की भावना से अनभिज्ञ है। फेयर ऑडिट, ये क्या है? यह सर्वविदित है कि ऑडिट पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, ना तो नियमित होते हैं और ना ही व्यापक होते हैं। ऑडिट ऐसे खातों तक ही सीमित है जो उपलब्ध हैं, और परंतु इनकी भी जांच नहीं हो पाती। ऋण के अनुदान के लिए प्रक्रियाओं का पालन और ना ही उनकी वसूली और ना ही उधारकर्ताओं की रिपोर्ट की विशेषताओं की सत्यता की ठीक से जांच की जाती है। इसके अलावा क्रय गतिविधियों के मामले में बहुत से अनियमितताओं और हेर फेर उनके निहित स्वार्थों के कारण पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इससे समाज को नुकसान होता है। नेतृत्व द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, जो सहकारी समितियों को नियंत्रित करते हैं वे मजबूत राजनीतिक संबद्धता के साथ स्थानीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। पूरी तरह से राजनीतिक वर्ग, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अकेली ही उस शक्ति को छोड़ देना चाहिए जो उन्हें चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए मिलती है, अपने समर्थकों को पुरस्कृत करती है और सहकारी समितियों के नियंत्रण से धन जुटाती है। मौजूदा शासन के तहत वे शक्ति दुरुपयोग करने में सक्षम है। कोप प्रबंधन और छेड़छाड़, आंदोलन की ताकत उन किसानों की भागीदारी थी जो शेयरधारकों और समाज के सदस्य थे। वर्षों में यह वास्तव में लोकतांत्रिक विचार भ्रष्ट हो गया है और अमीर लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अधिक शक्तिशाली हो गई है। व्यवहार में इसने सहकारी समितियों की शक्ति संरचना को बदल दिया है। शासी निकायों के चुनाव में धन एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण बन गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शीर्ष पद आमतौर पर सबसे अमीर राजनीतिक व्यक्तियों के पास चले गए। हालांकि अधिकांश सदस्य छोटे या मध्यम आकार के होल्डिंग्स वाले किसान थे।
ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों को सामाजिक शक्ति धीरे धीरे अवैध कर एक राजनीतिक उपकरण में बदल दिया गया। आप भी जानते हैं कि चाहे का कोई सदस्य ही का चुनाव के ना हो पंचायत सदस्य का, उसमें भी आपको आजकल पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि इस समय आपको बिना पैसे खर्च किए विधायक बन सकते हैं, अब वो समय नहीं रहा है। अब जिसके पास जितना पैसा होगा वही चुनाव जीतने में सक्षम होगा। सहकारी सरकारी हस्तक्षेप, शुरू से ही सरकार ने आंदोलन को संरक्षण देने का रवैया अपनाया है। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे सरकार के प्रशासनिक समूह का हिस्सा हो। इस प्रकार सरकार का हस्तक्षेप इन संस्थानों के कामकाज में अयोग्य तत्व बन गया। परिणाम स्वरूप लोगों का आंदोलन प्रति आंदोलन के प्रति लोगों का उत्साह नहीं बढ़ पाया। आंदोलन की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता केवल कागज और फाइलों पर मौजूद थी। आधुनिक बैंकिंग आवास अभ्यास, वे वहां काम कर रहे अर्थात बैंकिंग के आधुनिक अभ्यास नहीं कर रहे हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग और अन्य सभी आधुनिक बैंकिंग पद्धतियां हैं, जिसके कारण उन्हें विपणन के आधुनिक युग में समाप्त कर दिया गया है। जागरूकता की कमी, ये जागरूकता की कमी तो हर क्षेत्र में देखी जाती है। अगर आपको किसी क्षेत्र को सक्सेस बनाना है तो मैं कहता हूँ उसमें सब उस समाज को जागरूक करिए, ठीक है? क्योंकि समाज जागरूक हो गया तो हो सकता है कि जिसमें आपके 10% चांस थे सफल होने की, उसमें 90% तक पहुंच सकते हैं। लोगों को आंदोलन के उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह से सूचित नहीं किया गया। यह समाज और पुनर्निर्माण व सहकारी संस्थाओं के नियमों और विनियमों के निर्माण में योगदान दे सकता है। सरकार की ओर से सुविधाएं और रियायतें प्राप्त करने के लिए लोग इन संस्थाओं को देखते हैं। जब तक लोग सरकार से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं तब तक वे यह देखते हैं कि समाज किसी ना किसी तरह से काम करते रहते हैं। शिक्षा की कमी, गाँव की गंदी राजनीति, सहकारी समितियों के कार्यालयों के लिए जातिगत चुनाव, निचली श्रेणी के सरकारी अधिकारियों की नौकरशाही संबंधी नजरिए सहकारी आंदोलन के बारे में सही जानकारी फैलाने और समाज में इसके वास्तविक चरित्र और महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को शिक्षित करने में कुछ बाधाएं हैं। आपका सीमित कवरेज, सहकारी आंदोलन को अपने काम पर दो महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा। इन समितियों का आकार बहुत छोटा है, इनमें से अधिकांश समितियां कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या फिर दो गांव तक ही सीमित है। परिणाम स्वरूप उनके संसाधन सीमित रह जाते हैं, जिससे उनके लिए अपने साधनों का विस्तार और संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना असंभव हो जाता है। अधिकांश समितियों का एक ही दृश्य उद्देश्य समाज रहा है, इस कारण से ये समाज मदद मांगने वाले व्यक्तियों के बारे में पूरी तरह से विचार करने में असमर्थ हैं और ना ही वे विभिन्न कोणों से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार इन समितियों की सहायता पर्याप्त नहीं हो सकती है। फिर आपका कार्यात्मक कमजोरी, कार्यात्मक कमजोरी सहकारी आंदोलन अपनी स्थापना के समय से ही प्रशिक्षित कर्मियों की अपर्याप्तता से ग्रस्त है। प्रशिक्षित कर्मियों की कमी दो प्रमुख कारकों के कारण हुई है, प्रशिक्षण कर्मियों के इस उद्देश्य के लिए संस्थानों की कमी और सहकारी संस्थानों की असंतोषजनक कार्य के कारण कुशल कर्मियों की कमी। फिर आपका व्यवसायिकता का अभाव, व्यवसायिकता का किसी व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में उच्च स्तर के कौशल और मानकों के सह अस्तित्व को दर्शाता है। प्लेसमेंट और कौशल उन्नयन की एक उचित प्रणाली की अनुपस्थिति सहकारी बैंकों में पेशेवर प्रबंधन को बाधित करती है। संशोधन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को सहकारी बैंकों पर लागू होता है। अध्यादेश जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने और सहकारी बैंकों को पहले से ही अन्य बैंकरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उपलब्ध शक्तियों को बढ़ाकर और व्यावसायिक बैंकिंग विनियमन के लिए और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने और उनकी पहुंच को सक्षम करके सहकारी बैंकों को मजबूत करना चाहता है। संशोधन राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है करते हैं। संशोधन प्राथमिक कृषि शाखा समितियों या फिर सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते, जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख
व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त है, जो बैंक या फिर बैंकर या बैंकिंग शब्द का उपयोग नहीं करते हैं और चेकों की ड्रेस के रूप में कार्य नहीं करता है। अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्र सरकार को अधिस्थगन के तहत एक बैंकिंग कंपनी रखने के लिए आवेदन कर सकता है। अधिनियम के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए बैंक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है। इस अवधि के दौरान बैंक कोई भुगतान या फिर डिस्चार्ज देनदारियां नहीं कर सकता है। अध्यादेश में कहा गया है कि अधिस्थगन के दौरान बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या फिर किसी भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं कर सकता है। अधिस्थगन के दौरान RBI के पुनर्निर्माण या समामेलन के लिए एक योजना तैयार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि बैंक के समुचित प्रबंधन या फिर जमाकर्ताओं और सामान्य जनता या फिर अन्य के हित में इस तरह के आदेश की आवश्यकता है तो अध्यादेश RBI जो बिना स्थगन लगाए इसी योजना प्रारंभ करने की अनुमति देता है। अध्यादेश के अनुसार सहकारी बैंक इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर या फिर विशेष शेयर अंकित मूल्यों पर या फिर अपने सदस्यों को प्रीमियर पर या फिर अपने संचालन के क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जारी कर सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को 10 या अधिक वर्षों की परिपक्वता के साथ असुरक्षित डिबेंचर या फिर बॉन्ड या फिर समान प्रतिभूतियां जारी कर सकता है। ऐसा जारी करना RBI की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा और अन्य शर्तें जो RBI द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। अध्यादेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंकों द्वारा उसे जारी किए गए शेयरों के आत्मसमर्पण के लिए भुगतान की मांग करने का हकदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक सहकारी बैंक RBI द्वारा निर्दिष्ट के अलावा अपनी शेयर पूंजी को निकाल या फिर कम नहीं कर सकता है। अधिनियम में कहा गया है कि RBI जो अध्यादेश है इसमें कहा गया कि RBI एक बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को कुछ शर्तों के तहत 5 साल तक के लिए अधिरोपित कर सकता है। इन शर्तों में ऐसे मामले शामिल हैं जहां RBI द्वारा बोर्ड को सुपरसीड करना और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना सार्वजनिक हित में है। अध्यादेश में कहा गया है कि RBI एक सहकारी बैंक या फिर सहकारी बैंकों के एक वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के कुछ प्रावधानों में से छूट दे सकता है। ये प्रावधान कुछ प्रकार के रोजगार, निदेशक मंडल की योग्यता और एक अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। छूट की समयावधि और शर्तें RBI द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी। कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया गया है इसमें कौन कौन से? अध्यादेश अधिनियम के कुछ प्रावधानों को छोड़ देता है। इनमें से कुछ प्रावधान नीचे इस प्रकार हैं। अधिनियम सहकारी बैंकों को अपने स्वयं के शेयरों की सुरक्षा पर ऋण या फिर अग्रिम बनाने से प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा यह अपने निदेशकों को अनुरक्षित ऋण या फिर अग्रिम देन पर रोक लगाता है और निजी कंपनियों के लिए जहां बैंक के निदेशक या अध्यक्ष एक इच्छुक पार्टी है। अधिनियम उन शर्तों को भी निर्दिष्ट करता है जब असुरक्षित ऋण या अग्रिम दिए जा सकते हैं और RBI को जिस तरीके से ऋण की सूचना दी जाती है उसे निर्दिष्ट करता है। अध्यादेश अधिनियम के इस प्रावधानों को छोड़ देता है। अधिनियम में कहा गया है कि सहकारी बैंक व्यवसाय की एक नई जगह नहीं खोल सकता या फिर RBI से अनुमति के बिना शहर या गांव के बाहर अपना स्थान नहीं बदल सकते। अध्यादेश इस प्रावधान को छोड़ देता है। अध्यादेश में एक अनुसूचित सहकारी बैंक की आवश्यकता के प्रावधान को भी छोड़ दिया गया है जिसमें भारत में उसकी कुल मांग और समय देनदारियों का 40% से अधिक मूल नहीं है। अंत में क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा तथा आर्थिक संप्रभुता को बचाने हेतु सरकार इस प्रकार की अवैध व्यापार पर रोक लगाना आवश्यक है। ऐसे में यह संकट आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण तीनों के लिए खतरा है। उसके निदान हेतु विश्व समुदाय को एक साथ आना होगा। क्या आना होगा इसमें लास्ट में? मुझे लगता है कि इसे ही बदल दिया है आर्टिकल को। यही तो है, हमेशा मैंने देखा है कि जो दृष्टि IAS का आर्टिकल निकलता है लिखती है वो बेहतर लिखती है और आप जो दे IAS का देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आप लोग एक गायब कर देते हैं। नीचे से आपने देखा होगा कि इसमें पूरी लाइन का इससे कोई मतलब ही निकल रहा है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा तथा आर्थिक संप्रभुता को बचाने हेतु इस प्रकार के अवैध व्यापार, किस तरह के व्यापार,
समझ रहे हैं? ये लिखना चाहिए था कि इस तरह के जो भी प्रावधान लिए गए हैं जनता के हित में लिए गए हैं, जो भी किसान थे उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, तो इस तरह के प्रावधान और भी सुधार हो सकते हैं, लास्ट में यही कह सकते हैं ना आप लोग, ठीक है? तो आप एडजस्ट करिए, एक हमेशा बात याद रखा करिए कि कोई भी आर्टिकल हो, आप देखते हैं कि कई आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं होते हैं, कई ऐसे आर्टिकल होते हैं कि बिल्कुल सरकार के जैसी बात करते हैं, तो आपको उनमें से एक बैलेंस पकड़ बैलेंस बनाकर उनमें से जो भी तथ्य हैं उन्हें निकालना है, आंसर आइटम में छापना है, समझ रहे हैं? आपको ना तो एकाएक निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक तथ्य निकाल लेना है, ना ही एकाएक सकारात्मक तथ्य निकालना है, एक बीच का रास्ता बनाना है, उसी पर आपको चल देना है, ठीक है?